नमस्कार दिन 11टा अपडेट खबर सह आपन को स्वागत करछु मु शक्ति बुलेटिन को आकु बढेबा किंतु प्रथमे आसुन देखनेबा कोन होइछ मुख्य खबर। राजधानी रे एमिति चालिछि लॉकडाउन आका पटु ताला पछ पटु बेधड़क चालिछि बिक्री। रज सावित्री पई लोके बोहिनेले साड़ी मानिलेनी सोशल डिस्टेंस की कोविड कटकणा। खोलुचे मयूरभंज जिला प्रशासन मिछ पदारे पड़ा कोविड हॉस्पिटल सत चापार षडयंत्र केमिति चलुची रोगी सेवा। अर्गस कैमेरा आगे कहले मृतकों पुओ घटनार तदंत निर्देश दे जिलापाल। राज्य में कोरोना मृत्युर नुआ रेकर्ड गोटे दिन में सर्वाधिक 37 जनकर गला जीवन। 24 घंटे 8735 नुआ पॉजिटिव। सेपटे देश में कमुची कोरोना आउ लक्षे 27510 आक्रांत चिन्हट। अनुगुल जिला गस्तर केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान जेएसपीएल कैंपस में निर्मित कोविड केयर सेंटर कले लोकार्पण। बलराम प्रसाद ईएसआई हॉस्पिटल और तालचेर एमसीएल कोविड हॉस्पिटल अनुध्यान करेंगे स्थिति। एवं परलोक विशिष्ट फुटबॉल कोच नंदा पटनायक कोरोना चिकित्साधीन अवस्था घरोई हॉस्पिटल में मृत्यु। जड़े फुटबॉल कोच भाव बेस सुनाम अर्जन करते नंदा पटनायक। अनुगुल जिला गस्तर केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान अवसर में जेएसपीएल कैंपस में निर्मित कोविड केयर सेंटर रो लोकार्पण करी केन्द्रमंत्री। यहाँ पर से बलराम प्रसाद ठार ईएसआई हॉस्पिटल परिदर्शन करने स्थिति अनुध्यान करेंगे। सेपर दिन प्राय 12:15 मिनिट समय धर्मेन्द्र तालचेर ठार एमसीएल कोविड केयर सेंटर परिदर्शन कर विभिन्न आनुषंगिक व्यवस्था तदारख कर कार्यक्रम रही। इस संपर्क में अधिक अपडेट पर आम सहित जोड़ी होती आम प्रतिनिधि भागीरथी साहू। भागीरथी जो जेएसपीएल कैंपस जो कोविड केयर सेंटर तार लोकार्पण करछंती केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान, तो ये सेंटर केबे ठारु कार्यक्षम हम कौन रही सुविधा देखो शक्तिशाली सीधा सड़क दृश्य देखो जो भाव जो इनॉग्रेशन हो सीधा सड़क दृश्य देखू ये केन्द्रमंत्री रही धर्मेन्द्र प्रधान एवं जो जेएसपीएल एमडी रही नवीन जिंदल और जिलार जो वरिष्ठ अधिकारी जिलापाल कहु कि एसपी कहु स्वास्थ्य विभाग अधिकारी हूँ ये पहुंची और उद्घाटन करते हैं। सीधा सड़क दृश्य देखा देखो अर्गस माध्यम सीधा सड़क दृश्य देखु शक्तिशाली ये जो रही 270 बेड रही जो ऑक्सीजन प्रत्येक बेड ऑक्सीजन व्यवस्था रही है। पांचटी आईसीयू बेड रही सीधा सड़क से दृश्य देखाभ्रमण करमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान कहुएं जो रही स्वास्थ्य मंत्री नव दास कहुएं जो संबलपुर सांसद रही से स्थानीय एमएल रही एठिकार जिलापा रही जो एसपी रही स्वास्थ्य विभाग अधिकारी रही सीधा सड़क से दृश्य देखा देखते शक्तिशाली। ओके तो जेएसपीएल कैंपस कोविड केयर सेंटर तार उद्घाटन करछंती जो भली भाव आम प्रतिनिधि भागीरथी जे 270 बेड रही केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ये हॉस्पिटल रो उद्घाटन करछंती। जेएसपीएल मुख्य नवीन जिंदल मध्ये अछंती सांसद समलपुर सांसद नीतीश गंगदेव राज्य स्वास्थ्य मंत्री रवकिशोर दास मध्ये सांगरे अछंती। तो कोविड अनुगुल जिले में कोविड चिकित्सा को अधिक वृद्धि करा हॉस्पिटल माध्यम लोकों पाखे अधिक चिकित्सा पहुँची पार उन्नत मान चिकित्सा पहुँची पार से जेएसपीएल पक्षर एक अपील करा केंद्र सरकार पक्षर एवं विभिन्न शिल्पा शिल्पानुष्ठान गुड़िक आगे आसतु कोविड लड़ाई में सामिल होगा जेएसपीएल सामिल होती जो हॉस्पिटल निर्माण करा जाए जेएसपीएल पक्षर तार उद्घाटन करछंती केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान। आप देखुं हॉस्पिटल उद्घाटन पर हॉस्पिटल डाक्तर मान सहित कथा होती अच्छा निजे जेएसपीएल चेयरमैन नवीन जिंदल संबलपुर सांसद नीतीश गंगदेव अच्छा 270 सज्जा विशिष्ट हॉस्पिटल
जहाँ उद्घाटन करी केंद्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ये हूँ सीधा चित्र आप देखुं अर्गस माध्यम रे भागीरथी आउ कौन कार्यक्रम रही देखो शक्तिशाली एठी जो कार्यक्रम रही जो रही उद्घाटन सरी आइसोलेशन बेड परिदर्शन सरी से जहाँ सूचना रही बाहर जहाँ रही सीधा सड़क से दृश्य देखापे चेष्टा करुचु कि भाव में जो आइसोलेशन बेड रही जो कर्मचारी स्वास्थ्य विभाग कर्मचारी रही जिंदल कर्तृपक्ष रही सहित सीधा सड़क आलोचना चली कि ये किभली भाव में लोक मैंने सेवा पाइबे लोक मैंने किभली भाव में स्वस्थ हो जाए से सबूर सीधा सड़क दृश्य देखते जो रही केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान कह जाऊ कि स्वास्थ्य मंत्री नवकिशोर दास कह जाऊ जिलापाल कथा कह जाऊ जो एसपी रही कथा कह जाऊ जो स्वास्थ्य विभाग अधिकारी समस्ते जो रही जो जिंदल कर्तृपक्ष जो कर्मचारी मान रही स्वास्थ्य विभाग कर्मचारी रही सहित आलोचना करधारण लोक जो आसवे किभली भाव में स्वास्थ्य सेवा पाइबे स्वास्थ्य सेवा पाई लोक मैंने खुशी हे और स्वस्थ रही है ये विषय हम आलोचना चलती जहाँ आम पाखे सूचना रही है सीधा सड़क से दृश्य मत देखु ताजा चित्र सीधा सड़क देखते अर्गस मध्यम हम केवल आपन को देखे अन्य पक्ष कह गए किसी समय जो रही ये किसी समय रहा अच्छी या पर जो अनुगुल रही ईएसआई हॉस्पिटल से कार्यक्रम थी सूचना रही शक्ति साई ये जो 270 शय्या विशिष्ट हॉस्पिटल ए साधारण शय्या व्यतीत आउ कौन अत्याधुनिक सुविधा अच्छी जहाँकि कोविड चिकित्सा क्षेत्र में सहायक हो पार अनुगुल जिला भागीरथी देखो तो जो आइसोलेशन व्यवस्था अच्छी उन्नत मान रही अन्य पक्ष कह प्रत्येक बेड रे जो कह ऑक्सीजन व्यवस्था रही जेहेतु जिंदल प्लांट ऑक्सीजन बाहर कर लोक मानक ऑक्सीजन शत प्रतिशत जोगे प्रतिश्रुति आगामी दिन में जहाँ सूचना रही मसे कि दिमास भितर यह 400 बेड को जो वृद्धि सूचना रही सीधा सड़क से दृश्य देखो देखो जो इनॉग्रेशन सरी इनॉग्रेशन पर रही केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान स्वास्थ्य मंत्री नवकिशोर दास देखो देखो जो रही जिंदल एमपी रही से आम संबलपुर सांसद रही जिलार मान अच्छा सीधा सड़क से दृश्य देखा शक्ति साई तो ये हूँ दृश्य आप देखुं सीधा चित्र अर्गस माध्यम रे जेएसपीएल पक्षर ए कोविड केयर हॉस्पिटल निर्माण करा जहाँ उद्घाटन करी केंद्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान जोटि 270 शय्या रही खूब शीघ्र एक 400 शय्या विशिष्ट करा यार खासियत हूँ यार विशेषत्व हूँ जे प्रति बेड्रे ऑक्सीजन व अम्लजान र रोगी को मिलबार सुविधा साधारणतः कोविड केयर हॉस्पिटल गुड़िक सुविधा न था किंतु एटी से सुविधा उपलब्ध करा जाइछि कारण जेएसपीएल पूर्वर ता निज प्लांट ऑक्सीजन उत्पादन करी देशर विभिन्न स्थान को पठाई हॉस्पिटल परिसर बुली देखी केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान आलोचना करी डाक्तर मानक सहित निजे जेएसपीएल चेयरमैन नवीन जिंदल से हॉस्पिटल रेकॉर्ड रही सुविधा से संपर्क में सी कथाई बुझाई स्वास्थ्य मंत्री नव दास अच्छा संबलपुर सांसद नीतीश गंगदेव अच्छा कार्यक्रम में सामिल होती जो भाव में इस्पात मंत्रालय एवं पेट्रोलियम मंत्रालय देश में ऑक्सीजन अभाव को दूर करिबार एक गुरुत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करी विभिन्न तैल विशोधन गारगुड़िक हो इस्पात कारखाना गुड़िक हो सेगुड़िक राष्ट्रायत्त हो घर इस्पात कारखाना समस्ते देशर ऑक्सीजन उत्पादन को ऑक्सीजन अभाव को दूर करने एक गुरुत्वपूर्ण भूमिका नहीं केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान इनिशिएटिव ए कार्यक्रम ए कार्यटी संपादन हो जो कि आज देशर जो संकट देखा देखाई से संकट को दूर कर अम्लजान अभाव को लेकिन मेडिकल लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन जहाँकि
कोविड रोगी क्षेत्र में जो मान अम्लजान स्तर कमी जाए से क्षेत्र में निहाती दरकार जार अभाव पर केतक राज्य एक अभावन स्थित सृष्टि होता रोगी मानती नहीं मृत्यु होभोग पदक्षेप नहीं तुरंत केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान जे कि पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस सहित इस्पात विभाग केन्द्रमंत्री अच्छा एवं इस्पात कारखाना गुड़ी को निर्देश दि जाइला से माने निज प्लांट रे मेडिकल ऑक्सीजन रे उत्पादन करेंगे तैय विशोधनगार गुड़ी ऑक्सीजन उत्पादन पर तत्क्षणात कार्य सारा देश में विभिन्न स्थान में इस्पात कारखाना एवं तैय विशोधनगार गुड़िक लग जाते देशर विभिन्न स्थान को जोठी जोठी ऑक्सीजन आवश्यकता अच्छी पठा जाइला एवं जहाँफल कि ऑक्सीजन अभाव जनित जो समस्या अच्छी ताकू काबू करा जाई पारिथिला एवं रोगी को ऑक्सीजन मिलिथिला त्वरित वेगरे ए कार्य होइथिला आम राज्य इस्पात कारखाना गुड़िक गुरुत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करथिले ता भितर जेएसपीएल अन्यतम एक घर इस्पात कारखाना भाव में जेएसपीएल ऑक्सीजन उत्पादन करवा हो बा एबे कोविड केयर हॉस्पिटल निर्माण हो कोविड लड़ाई रे तार सहयोग करी आसी जहाँ जो हॉस्पिटल निर्माण करा जाइथिला तार आज उद्घाटन करुछंती केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान। आगो को अन्य खबर रही किंतु समय है गोटे छोट विरतिर अन्य खबर को आसवा खोलुचे मयूरभंज जिला प्रशासन मिछ पदार पड़ी कोविड हस्पिटाल सत चापार षड़ बारिपदा बांकशल कोविड हस्पिटाल केमिति रहुथिले रोगी आम से दृश्य आपण को गत काली ठारु लगातार देखाई आसुचु जे केमती पशु भली अति दयनीय अवस्था रोगी मान चिकित्सा करा जाउछि बारिपदा कोविड हस्पिटाल आज से कथार मोहर लगे ए हस्पिटाल रे चिकित्सित अवस्था प्राण हर जड़े कोरोना संक्रमित पुओ अर्गस कैमेरा आगे से कही कि भाव हस्पिटाल रे थिबा समय बापा तांको फोन करी हस्पिटाल अव्यवस्था संपर्क में कही अति दयनीय अवस्था सेठी अति खराब अवस्था बोली से जनाई पुओ को एवं एक कही मत एठारु जल्दी नहीं जाओ एठी मते मारी देबे फोन ने कथा हबार दिनक परे हॉस्पिटल रे पहुंचिया बळुकु तांका बापांकर मृत्यु होइथिबा कर्तृपक्ष कहिथिले सेपरि वीडियो वायरल करिबा व्यक्ति करिथिबा व्यक्ति मध्ये हॉस्पिटल रा व्यवस्था कथा कहिछंती आमे आपनकु लगातार गत कालीटु देखि आछु किभळि भाबरे बेसिन पाखरे रोगी पडिछंती रोगी किभळि भाबरे टॉयलेट पाखरे पडिछंती उल्लग्न अवस्था रोगी पड़ार भिजुआल भाइराल हो रोगी माने तले पड़ दृश्य सामना को आसुची कहा मुहर ऑक्सीजन मास्क खसीगला लगे से कहीं ना रोगी मान अवस्था बुझापी कहीं ना खाइबा खाद्य पदार्थ एणे तेणे पड़ी अति अपरिष्कार परिस्थिति भितर कोविड रोगी जो हस्पिटाल चिकित्सित होती जोटि की अति सफा सुतरा रहा कथा किंतु सेठी स्थिति अति दयनीय तो जो थी कि से जे प्राण हर ए हस्पिटाल चिकित्साधीन अवस्था जड़े कोरोना संक्रमित तांको पुओं को से फोन करथिले विकल हो कि मत एठू शीघ्र नहीं जा ना मत मारिदेवे ता पर जिते बड़े पुओ जाणी पाँच बापा मृत्यु हो जा हूँ कोविड केयर सेन्टर व कोविड हस्पिटाल गुड़िकर स्थिति मयूरभंज जिलार एकमात्र कोविड केयर सेंटर जहाँ को नहीं गत काली जिलापा लोक मैंने भेटी थे क्षोभ जनतापर मयूरभंज जिलापा निद भांगी और अधिकारी सहित बांकशोल जाए सेठाकर स्थित अनुधान करते सोशल मीडिया रे वायरल भिडर तदंत निर्देश तदंत पर घटना मिछ आधारहीन बोली जिला प्रशासन कही सहित कहला जे रोगी न्यूरोलॉजिकल समस्या रही बेड को बारंबार नि जाऊला हॉस्पिटल डाक्तर और नर्स जत्न ने प्रेस रिलीज रे उल्लेख करा कर जिला प्रशासन पक्षर किंतु ए घटना जिला मृतकों पुओ प्रतिक्रिया देवापर ए सबू जिलापा केवल दोष घोड़ापाई ये केवल जिला प्रशासन मिछ बोली
ये जना पड़ जाए। रंजन दास आम प्रतिनिधि बारिपदर आम सहित जोड़ी होती। रंजन, जो भाई भाव में गोटे पर गोटे कोविड हॉस्पिटल रो सत सामना को आसुची, मृतकों पुओ जो अभियोग आनी एवं गोटे पटे जिलापाल सफाई दौरान प्रशासन सफाई दौर जे वायरल वीडियो मिछ, ताहले ये अभियोग केमती आसुची, अर्थात निज दोष उपरे पर्दा ढांकवाई केवल यह कहुची। निश्चित पक्षे शक्ति देखु, जो घटनाटी गत कालीर आसी से घटनाटी वर्तमान सब चर्चार केन्द्रबिंदु पलटि। ता परवर्ती पर्यायर जो जिलापालंकर जो आसला जो वक्तव्य आसला जिलापालंकर जो बृत्ति आसला से बृत्ति को लेकिन गोटे सर्वसाधारण चर्चा पलटि, जहाँ को लेकिन जो बीजेपी जो एम एल ए अच्छा घाटी तलू जो एम एल ए अच्छा सारसकणा विधायक कथा कह बारिपदा विधायक उदला विधायक ये समस्ते विधायक आसी एठार पहुँची जो जिलापाल भेटा जाइंट जे भली भाव में त्रुटिपूर्ण भाव में जो त्रुटि भाव में जो भाव जो स्वास्थ्य अवस्था थिला जो जो जमी भाव चित्र साधारण सर्वसाधारण सी आसिक साधारण पड़ता ए समस्त बृत्ति को लेकिन गोटे प्रकार साधारण गोटे मत व्यक्त पाई आपको लेकिन जो जिलापाल जाइए और जिलापाल गत काली जा जो बृत्ति प्रेस रिलीज टी देते से प्रेस रिलीज को लेकिन सर्वसाधारण बर्तमान गोटे आंदोलनात्मक गोटे पंथा आपणवाक गले कि लोकता भितर कले आगामी दिन में आपको लेकिन कि भाव में चर्चा को केन्द्रबिंदु पलटि आपको लेकिन कि भाव में लोक मत पाऊनी ताकू नहीं कि बर्तमान सब चर्चा पलटि। तेब आम कह जो बर्तमान जाइंट जो विधायक मैंने आधायक मैंने जाइंट सीधा सड़क जिलापाल भेटा को जिलापाल भेट कौन आलोचना करापर आम नजर रही सेठ फेरला से कौन बृत्ति दौरान आज जिलापाल कौन बृत्ति दौरान समस्त जिनस आम पूरा नजर रखीचु कि भाव में आग को प्रचार हो पार कि भाव में आम कमी खबर को प्रसारण करें नजर रखीचु। शक्ति बहुत धन्यवाद रंजन। रंजन दास आम प्रतिनिधि जो भाई भाव में प्रतिक्रिया रखुले जे गोटे एक नहीं कि वर्तमान लोकों भितर वर्तमान प्रतिक्रिया देखा मिलूँ, कारण ये कोविड हॉस्पिटल रो चित्र जेतेबेले सामना को आसुची, जिला प्रशासन को लोक माने जाई कि भेटुछंती निजर असंतोष जणाउछंती, जिला प्रशासन तदंत करुछी, जिलापाल निजे जाउछंती परिदर्शन करुछंती, किंतु तापर कह जाउछी जे ये केवल जणीय रोगी का क्षेत्र रे ये न्यूरोलॉजिकल समस्या थिला तांकु बेड को अणा जाउथुला किंतु से बारंबार पळाउथुले, किंतु एठी जो वायरल वीडियो आसुची एठी जणीय रोगी का कथा देखिबा को मिलुनी, एठी एकाधिक रोगी किए बेड्रु तले पड़ी किए टॉयलेट आगे सोईची किए बेसिन पाखरे सोईची तले लुटुचंती कहा देहरे वस्त्र नाही, ए चित्र सामना को आसुची। एवं जड़े मृतकों पुओ ये देखु जड़े किभली भाव तले लुटी टॉयलेट आगे एवं बेसिन पाखरे जड़े किभली भाव तले पड़ती ये हूँ दृश्य। तो जड़कर समस्या केमती है खट पाखरे तले पड़ुछंती रोगी खटरु तलकु पड़ जाउछंती से कथा केमती सेठिकार जो माने अछंती स्वास्थ्यकर्मी सेमानक नजर को केमती आसुना ही ए कथा। तो एभली भाव में चली चिकित्सा ताकू नहीं उठी बड़ प्रश्न, किंतु जिला प्रशासन एटी व्यवस्था को सुधार बदल रे जिला प्रशासन जो माने एथिपाई दायी जो माने अवहेला करिछंती कर्तव्य रे सेमानक विरोध रे कार्यानुष्ठान नवा बदल रे बरम पूरा घटनाटा को किभली भाव रे परदा ढंका जाई पारिबो सेथि पाए उद्यम करछि। आगु को रहिछ आउ किछ गुरुत्वपूर्ण खबर किंतु समय छ आ गोटे छोट विरति रह। राज्य रे चिंता बढ़ाउछि कोरोना, एपटे दैनिक संक्रमितक संख्या खसीथिबा बळे मृतकक संख्या रे किंतु ब्रेक लागू नाही। कोरोनारे गत 24 घंटा रे आउ 37 जणकर जीवन जाई, मृतकों मधुर अनुगुण जिलार सर्वाधिक 5 जन रही बेले कटक कलाहांडी जिलार 4 जन लेखाएं अच्छा, झारसुगुड़ा खोर्धा नवरंगपुर और सुंदरगढ़ जिलार 3 जन लेखाएं रही बेले केन्द्रापड़ा नुआपड़ा रायगढ़ सोनपुर जिलार 2 जन लेखाएं अच्छा, बलांगीर गजपति गंजाम और कोरापुट जिलार जड़े लेखाएं आक्रांत मृत्यु होबे गत 24 घंटे चिन्हट होती 8735 नुआ संक्रमित, क्वारंटाइन रु 4892 और लोकल कंटाक्ट केस रही 3843, खोर्धा जिलार सर्वाधिक 1222 संक्रमित चिन्हट होती, कटकु 673,
बालेश्वरु 566, जाजपुरु 507 जन आक्रांत चिन्हट होती। ढेंकानाल अचानक दैनिक संक्रमित संख्या आज 503 को वृद्धि पाई। पुरी 467, अनुगुल चिन्हट होती आउ 456 संक्रमित। अनुगुल आज टी कमी संक्रमित संख्या, बाकी सबू जिले में नुआ संक्रमित संख्या 400 भितर रही। 7 जिला बलांगीर, देवगढ़, गजपति, कंधमाल, मलकानगिरी, नुआपड़ा और रायगढ़ में दैनिक संक्रमित संख्या 100 भितर रही। या छड़ा कोरोना संक्रमित मोट संख्या 7,73,732 को वृद्धि पाई। परवर्ती खबर को जा, देश में कोरोना कूप किंतु सेपटे कमिबार लगी। गत सप्ताह देश में दैनिक कोविड 19 संक्रमण संख्या 2,00,000 पाखापाखि रोता बेले दीर्घ 4 दिन है ता लगातार 2,00,000 जथेष तले रही। आज कोरोना संक्रमित संख्या 1,30,000 कम रही। गत 24 घंटा मध्य देश में 1,27,510 जन नुआ संक्रमित चिन्हट होती। 2,55,287 जन सुस्थ हो घर को फेरी बेले 2,795 जनकर मृत्यु होई। छड़ा देश में 18,95,520 सक्रिय मामला थिया बेले समुदाय 2,69,47,629 जन सुस्थ हो घर को फेरी। समुदाय 21,60,46,638 जन को टीका दिया जाए। आम आपको पुणि थे जाऊँ अनुगुल, JSPL जो आज कोविड हस्पिटाल लोकार्पण कर केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान से कार्यक्रम में संबोधन कर एसपी आदरणीय मीनाजी जिंदल अनुगुल प्लांट रो प्रबंधक आदरणीय शर्मा जी, ये सेंटर को जहाँ को जिंदल तरफ दायित्व दिया जाए चलेवा पाई डॉक्टर बेहरा, आज ये उपस्थित थी समस्त जिंदल परिवार रो सदस्य माने चिकित्सक, नर्सेस, पारामेडिकल्स रो कर्मचारी भाई भोली माने, राज्य सरकार अन्यान्य अधिकारी बंधु माने, पुलिस प्रशासन रो भाई भोनी माने, सांबादिक भाई माने और टेक्नोलॉजी माध्यम रे याकु देखुथुबा आम जिला, आम राज्य तथा आम देशर नागरिक भाई भोनी माने, मो पाई आज एक परम खुशीर दिन, सौभाग्यर दिन। अनुगुल जिला रे स्टील प्लांट आधार रे जिंदल कंपनी तरफ रु ये महामारी कोविड को सामना करिबा पाई दुईटी जगह रे 240 270 + 50 इंती 320 बेड वाला ऑक्सीजन बेड वाला जो थे अत्याधुनिक अंतर्राष्ट्रीय स्तर रे जो भाया भेंटिलेटर थाए से भाया भेंटिलेटर भी अच्छी, NIV अच्छी, HDU व्यवस्था अच्छी। ये व्यवस्था को छेंडीपदा, अनुगुल, पड़ोसी देवगढ़ जिला, पड़ोसी कणिया ब्लॉक, तालचेर ब्लॉक, ये सबु अंचल पाई ये चिकित्सा व्यवस्था आज जिंदल कंपनी तरफ व्यवस्था करी राज्य सरकार को पाखे समर्पण करागला। या पूर्वर आम जिलार चिकित्सा व्यवस्था सह मैंने अनुगुल हेडक्वार्टर हॉस्पिटल, तालचेर सब डिविजनल हॉस्पिटल, आठमल्लिक सब डिविजनल हॉस्पिटल, पालहड़ा खमार अंचल सब डिविजनल स्तरीय हॉस्पिटल, विभिन्न छोट छोट हॉस्पिटल रे राज्य सरकार तरफ कोविड मैनेजमेंट सिस्टम थिला,
କୋଭିଡ୍ ୱାନ୍ ବେଳେ ବି ଏ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହ ମହାନଦୀ କୋଇଲା କମ୍ପାନୀ ତାଲଚେରର ନୂଆ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ପରିସରରେ 120 ବେଡ୍ର ଗୋଟିଏ କୋଭିଡ୍ ପରିଚାଳନା ହସ୍ପିଟାଲ ଗତ ଥର କରିଥିଲେ। ଏଥର କୋଭିଡ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବା ମାତ୍ରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲୁ, ଏମ୍ସିଏଲ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିଲୁ, ଉହା ମିଶିକି ଆଜି 150 ବେଡ୍ର କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ତାଲଚେରରେ ଚାଲିଛି। ବିଗତ 2 ମାସ ପାଖାପାଖି ହୋଇଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ବଳରାମ ପ୍ରସାଦ ପାଖରେ, ବରପାଳ ବ୍ଲକର ବଳରାମ ପ୍ରସାଦ ପାଖରେ ESIର ଯେଉଁ ହସ୍ପିଟାଲ ବନିଥିଲା, ନାଲକୋର ସ୍ପନ୍ସରସିପ୍ରେ ଜିଲ୍ଲା କଲେକ୍ଟରଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଗୋଟିଏ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ 150 ବେଡ୍ର କୋଭିଡ୍ କେୟାର ହସ୍ପିଟାଲ ବନାଯାଇଛି। ମାନେ 150 MCL, 150 ନାଲକୋ, ଆଉ ଆଜିର ଇଏ 320 620 ବେଡ୍ର ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଆଧାରିତ କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ଜିଲ୍ଲାର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ହସ୍ପିଟାଲ ବେଡ୍ ସହ ଆମ ଜିଲ୍ଲାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବ, ଏଇଟା ମୋର ପୁରା ବିଶ୍ୱାସ। ଏ ଭିତରେ ଗତଥର ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାରେ କମ୍ ପ୍ରଭାବ ଥିଲା, ଏଇଥର ଔଦ୍ୟୋଗିକରଣ କାରଣରୁ, ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲାଇଜେସନ୍ କାରଣରୁ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ଚାଲିବା ପାଇଁ ହେଲେ କଳକାରଖାନା, ଗାଡ଼ି ମଟର, କୋଇଲା ଖଣି, ରେଲୱେ ଏସବୁକୁ ଚାଲିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଲା। ସେ କାରଣରୁ ଆମ ଜିଲ୍ଲାରେ କୋଭିଡ୍ ସଂଖ୍ୟା ବି ଏଥର ବଢ଼ିଲା। ଏଥର ଆମ ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଅଧିକା ହେଲା ପଡ଼ୋଶୀ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା, ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା। ଏଇଥରର କୋଭିଡ୍ ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜ୍ ଛତିଶଗଡ଼ ପଟୁ ଆସୁଥିବା କାରଣରୁ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା, ଏସବୁ ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରଭାବିତ ହେଲା। ଆମ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ବି ପ୍ରଭାବିତ ହେଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହାର ପ୍ରକୋପ କମିବାରେ ଲାଗିଛି। ହସ୍ପିଟାଲ ବେଡ୍, ମେଡ଼ିସିନ୍, ତାହାକୁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍, ଟୀକା ଭାରତ ସରକାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି। ଯେତିକି ଟୀକା ଲାଗିବ 50% ଟୀକା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମାଗଣାରେ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେବ, 25% ଟୀକା ରାଜ୍ୟମାନେ ନିଜେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିକି ଲଗେଇବେ। ଏଠି ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ, ସେମାନେ ବି ମାଗଣାରେ ଟୀକା ଲଗେଇବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିଛନ୍ତି। 50% ଟୀକା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦେବେ ମାଗଣାରେ, 25% ଟୀକା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମାଗଣାରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ, ଆଉ 25% ଟୀକା ନିର୍ମାଣକାରୀ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି କର୍ପୋରେଟ୍ ହାଉସ୍କୁ ଆପଣମାନେ ସିଧା ବିକ୍ରି କରିପାରିବେ। ଆମ ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଟିଏ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ମୁଁ ଆଜି ଏଠି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଆଲୋଚନା କରିଛି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବି ଏବେ ଏଠି କହୁଥିଲି, ନବୀନ ଜିନ୍ଦଲଙ୍କୁ ବି ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି। ଆମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେଉଁ କର୍ପୋରେଟ୍ ହାଉସ୍ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସେକ୍ଟର ହେଉ କିମ୍ବା ପବ୍ଲିକ୍ ସେକ୍ଟର ହେଉ, ଜିନ୍ଦଲ ଅଛି, ଟାଟା ଅଛି, NTPC, ନାଲକୋ, MCL, ଅଏଲ୍ କମ୍ପାନୀ, ରେଲୱେ, ପାୱାର ଗ୍ରିଡ୍, ଏସବୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ଏମାନେ ବି ନିଜେ ନିଜେ ଟୀକା କିଣିକି ତାଙ୍କର କର୍ମଚାରୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଲଗେଇବେ, କର୍ମଚାରୀ ପରିବାରର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଲଗେଇବେ, କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ଘରେ କାମ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଲଗେଇବେ। ଏହାର ସିଧା ସିଧା ଲାଭ ଆମ ଜିଲ୍ଲାର ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ। କର୍ମଚାରୀ ତ ଆମ ଜିଲ୍ଲାର, ତାଙ୍କ ଘରେ କାମ କରୁଥିବା ଲୋକ ତ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର, ଏ ଲାଭ ଆମ ରାଜ୍ୟକୁ ମିଳିବ। ତା ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ କରିଛି, ମୁଁ ତାକୁ ନିଜେ ତଦାରଖ କରିବି, ଯେଉଁ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ, ତାଙ୍କୁ ବି କର୍ପୋରେଟ୍ ରୁଟ୍ରେ ଟୀକା ଆଣିକି ଲଗେଇବାର ଦାୟିତ୍ୱ କର୍ପୋରେଟ୍ ମାନେ ନିଅନ୍ତୁ। ତାଙ୍କୁ ଅସହମତି ନାହିଁ, ଟୀକା ତାଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଟୀକା ଉପଲବ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଆଜି ସେ କଥାକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ତଥା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ଭଳିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଛି, ଜିନ୍ଦଲ ବାବୁଙ୍କ ଭଳିଆ ଲୋକଙ୍କୁ କହିଛି, ଯେ ଆମେ ମିଶିକି ସମସ୍ତେ ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ପାରିବା ଆମେ ଆମର ରାଜ୍ୟର ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଆମ ଜିଲ୍ଲାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଟୀକା ଲଗା କରିବା। ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସେଇପାଇଁ ସମର୍ପିତ, ଏହାକୁ ପରାଜିତ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବି ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇକି ଯାଇଛି,
आमे कौन हेल्थ इनफ्रास्ट्रक्चर अभाव अनुगुल जिले में रखा नवीन जिंदल महाशय या 6 मिलियन टन एवं स्टील प्लांट चलाउछन या कल्पना अच्छे पृथ्वीर सबुठ बड़ स्टील मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ऐसे ही आपने बताया था ना बात पे आप ठीक है मेरे को कहा था कि विश्व की सबसे बड़ा कारखाना नहीं बनाऊंगा 25 मिलियन टन ये कारखाना बनेगा से अनुसार केवल कारखाना बनले हम तो हम नहीं एठिकार समाज विकास एम्प्लॉयमेंट हो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी हो हेल्थ कंडीशन हो से भी आज मत गोटे कथा आश्वस्त कर गोटे उच्च मानर हॉस्पिटल भी बनेबे जो हॉस्पिटल आम जिलार लोक मान सेवे भी लगे आज दिन में समस्त को पुणी अनुरोध करुच्ची टेस्टिंग बढ़ेबा जो जो प्रशासन नियम कानून बनाऊँ मानवापी क्या लक्षण देखा मेडिकल सिस्टम पर्यटन पहुँचवाई गणमा आपड़ शुणुते केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान को जो भाई भाव में से निजर भाषण में से सूचना देले जे 320 सज्जा विशिष्ट ये कोविड केयर सेंटर जेएसपीएल पक्षर निर्माण कराक आज लोकार्पण निजे कले केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान एसत एमसीएल पक्षर मध्य एक कोविड केयर सेंटर निर्माण करद्घाटन करेंगे केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान सहित ईएसआई हॉस्पिटल जहाँ कि बलराम प्रसाद रही कोविड केयर सेंटर परिणत कर 620 सज्जा अधिक जोड़ी हे अनुगुल जिले में कोविड केयर सेंटर क्षेत्र में जहाँ को केवल अनुगुल जिला नुहे पड़ोसी जिला गुड़िकर कोरोना रोगी मैंने चिकित्सित हो पारे समय जो बुलेटिन बर्तमान खबर को ये रखा नमस्कार।